प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ। हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म विच इज सिविल गुरुजी सिविल इंजीनियर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंजीनियर्स, आप सभी के साथ हमारे वन ऑफ द ट्रेनीज हैं जो एक पर्टिकुलर टॉपिक शेयर करने वाले हैं। वो टॉपिक आपके इंडस्ट्रियल प्लस कंस्ट्रक्शन एंड रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आई होप कि वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको पसंद आएगा एंड यू विल लाइक इट। सो लेट मी टेक यू डायरेक्टली टू अवर ट्रेनी विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक। Good morning, all of you. My name is Pradyuman Singh Rathod and I am learning civil professional skills from Civil Gundari. Aaj hamara topic hai staircase. Staircase is a structural member that is designed to cover large vertical height divided into small vertical steps. Generally, agar hamare floor ki height ye hai aur ground floor ki height 3 meter hai. Ground floor se first floor ki height hamari 3 meter hai aur is height ko hame cover karna hai. ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है मूवमेंट के लिए, रेजिडेंशियल शिफ्ट के लिए या कोई भी ऑफिस परपजेस के लिए, किसी भी चीज के लिए मूवमेंट करना है, तो हम इस पर्टिकुलर हाइट को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करके हम उस हाइट को कैसे कवर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर लेंथ प्रोवाइड करा के कवर कर सकते हैं उसको, वो हम करते हैं राइजर और ट्रेड की हेल्प से। कोई भी राइजर और ट्रेड दोनों मिलकर एक स्टेप बनाते हैं, एक राइजर और एक ट्रेड। राइजर हमें हाइट प्रोवाइड कराता है, ट्रेड हमें डेप्थ लेंथ कवर कराता है। ये हाइट कवर करके आदमी अपना पांव आराम से रख सके और अगले स्टेप में जा सके बिना ना तो हम ज्यादा हाइट कर सकते हैं। राइजर की एक आईएस कोड 456-2000 के अकॉर्डिंगली कि नॉर्मल एक पर्सन टू पर्सन इजीली अप्रोच एंगल होता है, उस अप्रोच एंगल के हिसाब से मिनिमम हमें जो इसकी राइजर की डेप्थ है 120 mm हमें रखनी है और ट्रेड है जो कि हमारा है ना 10 इंच का होना चाहिए। जो हमारा राइजर है और जो हमारा ट्रेड है, ये दोनों मिलकर एक स्टेप बनाते हैं और इन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन राइजर और ट्रेड के हिसाब से ही एक पर्टिकुलर हाइट तक जाके, मान लीजिए हमारी हाइट है ये 3 मीटर की हाइट है, इसे कवर करना है तो हमें एक मिड लैंडिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा आईएस कोड कहता है कि एक पर्टिकुलर लैंडिंग फर्स्ट एक साइड के अंदर जो कि होगी 1.5 मीटर के ऊपर। इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स का आप डिवाइड करेंगे हाइट से और राइजर की लेंथ से, तो हमें है ना 19 स्टेप्स मिलते हैं जिसमें एक मिड लैंडिंग है। मिड लैंडिंग को आप देखा जाए तो ये मिड लैंडिंग ये पोर्शन है। मिड लैंडिंग दो चीजों के लिए होता है, एक तो हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराता है कि आदमी तो ऊपर चढ़ के जा रहा है, 12 स्टेप अगर वो चढ़ के ऊपर जा रहा है तो एक बार या तो थकेगा या रुकेगा, सांस ना फूले उसकी, उसको अगर चक्कर आ रहे हैं, मान लीजिए 80% है चक्कर आ रहा है, सिर घूम जा रहा है, मान लीजिए 80-90 साल की उम्र में है, तो उसके लिए हम रेस्ट प्रोवाइड कराते हैं। बच्चों के लिए भी कराते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जब एकदम से इतनी हाइट पे जाते हैं तो उनका सर घूमने लगता है, दो चीज काम करती है, एक सेफ्टी प्रोवाइड कराती है हमें जिससे रेस्ट कर सके, दूसरा ये क्या करती है हमारी जो स्टेज होती है उसे टर्न करने में हेल्प करती है। जो छोटी सी जो हमारे पास स्पेस है उसके अंदर हमें स्टेट चढ़ानी है तो हमें कितनी लैंडिंग देनी पड़ेगी, दो लैंडिंग देनी पड़ेगी इस एल शेप में। ये रेस्ट हो गया और ये टर्न हो गया, यहाँ भी हमने टर्न मिला है और इस टर्न को हम कहते हैं यू शेप स्टेयर्स, इसमें पर्टिकुलरली 90 डिग्री टर्न पे आ जाता है और जब 45 डिग्री टर्न पे आता है तो ये एल शेप कहलाता है। इसमें यहाँ देखिए आप ग्राउंड फ्लोर है, यहाँ से बंदा पर्सन चढ़ेगा मिड लैंडिंग तक पहुंचेगा, उससे टर्न हो जाएगा, वो भी हमारा आईएस कोड में दे रखी है कि एक राइजर और ट्रेड है उसके ऊपर पर्टिकुलर हाइट नापी जाती है कि 2 मीटर या 7 फुट होनी चाहिए, क्योंकि आदमी जनरली जो हाइट है आदमी की, आदमी और औरत की, वो 7 फुट तक तो है, एक है ना राइजर और ट्रेडर पर मतलब यहाँ से 7 फीट होनी चाहिए,
यहाँ भी 7 फुट की हाइट होनी ही होनी चाहिए, तो ये एक मेजर पॉइंट है। इसके बाद में एक होता है नोज, ये नोज होता है तो राइजर और ट्रेड के बीच में एक पॉइंट होता है जिसमें जिसमें हमारे ये फुट होता है वो लास्ट जो फुट का लास्ट पार्ट होता है वो इसके ऊपर डे करता है। राइजर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो दो ट्रेड के बीच में राइजर आता है अपर पार्ट और लोअर पार्ट के बीच में, और ट्रेड होता है ट्रेड जनरली एक मेजर पॉइंट देखी जाए तो जितनी भी हॉस्पिटल्स होते हैं होटल्स होते हैं उनमें ट्रेड थोड़ा ज्यादा बड़ा दिया जाता है नॉर्मल डोमेस्टिक साइज। वो इसलिए दिया जाता है कि एक तो आदमी का जनरली हाइट कवर करता है, तो जनरली या तो हॉस्पिटल्स में बीमार लोग ही होते हैं और एजेंट लोग होते हैं तो उनके लिए ट्रेड और राइजर होता है वो एक डिफाइंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही दिया जाता है, जिससे कि वो आदमी चढ़े तो उसको सांस की दिक्कत नहीं आए और ये सब मैंने अभी आपको बताया वही चीज यहाँ फॉलो होगी। उसके बाद में जो मिड लैंडिंग है, इस मिड लैंडिंग को जब हम शटरिंग करते हैं या जब हम ले करते हैं, मान लीजिए हमारा स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर ड्राइंग पे आएगी तो ये हमारे जो स्टेयर्स है इसका लोअर पार्ट है ये प्लिंथ बीम में जाके ऐड होता है, ये इसमें इसके बार्स अटैच होते हैं क्योंकि ये स्टेयर्स है ये हमारे बिल्डिंग का एक सबसे हेवीएस्ट स्ट्रक्चर लोड होता है इसके अंदर, तो इसका इस बीम में प्लिंथ बीम में कनेक्ट होना बहुत जरूरी है जिससे कि इसका लोड डिफॉर्म हो जाए। यहाँ जो है ना स्लैब बीम होती है ये प्रोवाइडेड होती है उसमें कनेक्टेड होना जरूरी है और यहाँ जब हम पहुंचेंगे तो इसमें भी जो स्लैब बीम होगी नेक्स्ट फ्लोर की फर्स्ट फ्लोर की उसमें अटैच होना चाहिए, नहीं तो ये कभी भी बल्क कर सकता है जिसकी बेस स्लैब है वो सर्व कर सकती है फेलियर्स आ सकते हैं, तो ये एक चेक पॉइंट होता है हमें आना है जिसकी जो बार्स स्लैब बीम से कनेक्ट नहीं करने होते। दूसरी चीज ये आती है इसके अंदर कि जो हमारी ये राइजर्स और ट्रेड्स हैं जब हम शुरुआत में ये सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेप उधर शटरिंग में शुरुआत में इन राइजर और ट्रेड्स को किसी वॉल पे मार्क करने के लिए क्योंकि शटरिंग यहां से चालू होगी तो इस वॉल को पर्टिकुलर ये मार्क करने के लिए तो हम क्या करते हैं सबसे पहले हम दोनों हाइट के बीच में मिड लैंडिंग को मार्क करते हैं। मिड लैंडिंग को हमने एक दीवार पे मार्क कर दिया एक पॉइंट पे, फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेप्स को मार्क करते हैं। ये हम मार्क इसलिए करते हैं क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव मार्किंग का ही है जब हमारी ये स्टेटस बने जब फॉर्म हो कास्टिंग हो शटरिंग के लिए तो शटरिंग को बिल्कुल हम एक्यूरेट पॉइंट टू पॉइंट हम मैच कर सके, ऐसा नहीं हो कि हमारा कोई तो है ना ये जो नीचे का बेस स्लैब है फर्स्ट फ्लाइट है वो डिफॉर्म कर जाए या कोई भी हाइट में या डेप्थ में चेंजेस आ जाए जिसकी वजह से ये मिड लैंडिंग और ऊपर की जो फ्लो हाइट है वो मैच ना करे या मैच करे क्या होता है कि हमारी डिफॉर्म नहीं बनती, जनरली जो एरर्स आते हैं क्योंकि मार्केट में जब लोग काम करते हैं कोई ना कोई छोटा मोटा एरर आता है जिसकी वजह से होता क्या है जब हमारी ये हाइट यहाँ पहुंचती है ना स्टेट की उसके बाद होता क्या है मान लीजिए यहाँ पहुंच जाता है अगर हाइट ज्यादा हो जाती है तो फिर हमें जो ऊपर स्लैब करना है उस स्लैब में और हाइट ऐड करनी पड़ती है वो हमें करना पड़ता है जो उसके ऊपर मान लीजिए टाइल्स लग रही है फ्लोरिंग लग रही है तो उसमें हमें मसाला जो मोल्डर होता है उसकी हाइट और देनी पड़ती है तो ये चीज ना हो इसलिए हम ये सब चीजें करते हैं। ये एक सबसे बड़ा इफेक्ट है जो हमारे तो मान लीजिए ये तो छोटा सा पोर्शन है पर जो हमारी बिल्डिंग है उसमें फ्लोर एरिया तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में अवेलेबल हो तो उस फ्लोर हाइट को मैच कराने के लिए काफी हमारा मोर्टार यूज होगा तो इसलिए एक चेक पॉइंट है कि आगे जाके ये हमारा घटा ना दे हमारी बिल्डिंग को घटा ना दे ना हमारी चीजों को घटा ना दे। इसके होने के बाद में जो ये स्टेयर्स है उनके यहाँ पे लगती है रेलिंग्स वापस नीचे गिर जाए उस चीज को बचाने में हेल्पफुल रहेंगे। इसमें आप देखा जाए कि ऊपर जो रेलिंग होती है इसे हैंडल करते हैं ये जनरली राउंड शेप में होती है
डाउनशिप भी इसलिए होती है कि इजीली आदमी उतरे तो उसको पकड़ के उतर जाए। अगर वो रेक्टेंगल या पॉइंटेड शेप में होगी तो जनरली उसको ग्रिप नहीं कर पाएगा, जैसे जैसे वो उतरता जाएगा वो छोड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, पकड़ता जाएगा। राउंडेड इसलिए रखी जाती है वो इजीली मूव होता रहे, हमेशा रहे, जैसे इस इंबैलेंस होता है वो उसको ग्रैब कर ले। ये इसके पीछे थ्योरी पर पॉइंट है। हैंडरेल होता है, हैंडरेल को सपोर्ट करती है नेवल पोस्ट। नेवल पोस्ट होती है जनरली ग्राउंड फ्लोर में, फर्स्ट ये मिड लैंडिंग पे और फर्स्ट फ्लोर में, ये सपोर्ट करके इस हैंडरेल को मेजर सपोर्ट दे देते हैं। और ब्लास्टर्स होते हैं, ब्लास्टर्स होते हैं वर्टिकल सपोर्ट देते हैं, जो हमारी ये जो हमारी ये राइजर आती है, थ्रेड आती है, उसके बीच में एक हमारा स्ट्रिंग होता है जो इसके अंदर ड्रिल होता है, जिसे हम ड्रिल करते हैं स्ट्रिंग को। वो स्ट्रिंग इसके अंदर ब्लास्टर में अटैच होता है। वो होता है कि जनरली अगर हैवी लोड पड़ता है किसी भी कारण को, उसे बैलेंस कर सके, इस हैंडल को बैलेंस कर दे, डिफॉर्म ना हो ना कि इधर उधर ज्यादा एक्सेस लोड के कारण डिफॉर्म हो सके या गिर जाए या अपनी जगह छोड़ दे, उसको सपोर्ट करने के लिए बना होता है। अब इसके अंदर एक मेजर पॉइंट ये भी आता है कि जो स्लोप है हमारा वो कितना होना चाहिए, जो इसका थीटा है, अप्रोच एंगल वो हमारा होना चाहिए 25 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक। ये ISO 56-2000 को फॉलो करके बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर इसका स्टेयरकेस का डिजाइन अप्रूव हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें करी जाती हैं। और इसके अंदर एक और मेजर पॉइंट है, मान लीजिए शटरिंग हो रही है, शटरिंग में हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो स्लैब बेस है कि कितनी होनी चाहिए मिड लैंडिंग के बाद। पर्टिकुलर हमने हाइट्स मार्क कर दी, मिड ये स्लैब बेस का कैसे पता चलेगा, जो हमारा प्लिंथ लेवल है उसके ऊपर यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इसको फाइंड आउट करने के लिए जो हमारी ड्रॉइंग्स आती है यहाँ से, उसमें हम ये देखते हैं कि जो ये राइजर और ये ट्रेड है ये कितने, नंबर ऑफ राइजर्स काउंट किए जाते हैं, नंबर ऑफ ट्रेड्स काउंट किए जाते हैं। राइजर मान लीजिए 9 है, राइजर इनटू हाइट करेंगे, नंबर ऑफ स्लैब्स करेंगे तो हमारे को हाइट मिलेगी, और नंबर ऑफ ट्रेड्स करेंगे तो हमें लेंथ मिल जाएगी। इस इन दोनों को यूज करके हम पाइथागोरस थ्योरम में स्लैब बेस फाइंड आउट कर लेंगे। स्लैब बेस को फाइंड आउट करने के बाद में हमारे जो नंबर ऑफ स्टेप्स है इसको हम ट्राइंगल की हेल्प की वजह से, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट की वजह से को यूज में लेके हम इनका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। उससे हमारा क्या होगा, जो ये स्लैब का है बेस और स्लैब बेस और ये नंबर ऑफ स्टेप्स है, इनका हमारा कंप्लीट इनका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट हो जाएगा। और वैसे ही इसमें रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड को यूज करके, उसका फॉर्मूला यूज करके टोटल कंप्लीट वैल्यू वॉल्यूम है ना, ड्राई कंप्लीट और वेट वॉल्यूम दोनों मिल जाएगा कि हमें कितना मिल होगा और कितना हमें बास होगा। तो आज हमारा यही टॉपिक था स्टेयरकेस। स्टेयरकेस जनरली एक वर्टिकल हाइट प्रोवाइड कराने के लिए किया जाता है। जनरली हमारे डाउन फ्लोर फर्स्ट फ्लोर पे हम ये RCC वाला यूज में लेते हैं, और अगर हमारे रूफ टॉप पे है और फर्स्ट मल्टी के ऊपर जाना है, मान लीजिए टंकियों के लिए और चीजों के लिए, तो हम यूज करते हैं आयरन वन, जो कि यू शेप ये जनरली सर्कुलर शेप के होते हैं, इस शेप के होते हैं। इसको ज्यादा हिट के लिए यूज नहीं करा जाता, ज्यादा पर्पस के डेली यूज के लिए यूज नहीं करा जाता, क्योंकि इसमें अगर गिर जाता है कोई आदमी बहुत काफी लग सकती है, बहुत हार्मफुल है, इसमें कोई डेंटिंग नहीं होगी। पर्टिकुलरली जनरली बहुत ही कम यूज के लिए यूज करा जाता है। इसमें दो चीजें और आती है, एक तो नंबर ऑफ स्टेयरकेस के शेप्स आते हैं, एल शेप, सी शेप ऐसा होता है, और एल शेप ऐसा होता है, इसलिए एक ही रैंकिंग होती है। एक चीज और रहेगी, ये जो राइजर ट्रेंड है, राइजर ट्रेंड इसे हमने कह दिया नोज़।